Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Sacha rang ishq da, baaki sab jhoote. Rang leya dil maine, yaar ke rang mein. Bin tere mar jaana, jina tere sang mein. Tu bhi kabhi hans ke, bol mahiya. आस उसकी लगाई जाती है जिसकी उम्मीद हो, और उससे मुझे कोई उम्मीद नहीं है। नफरत है मुझे, शदीद नफरत। इतनी नफरत है कि उसकी वजह से रातों की नींद हराम हो गई मेरी। तुमने मेरे लिए वो सब कुछ किया जो कोई और नहीं कर पाया, और आज मैं वाकई बहुत खुश हूँ। तो चुपचाप रह के उसका रवैया बर्दाश्त। प्यार ही प्यार में 2 करोड़ रुपए निकलवा दो, उसके बाद जो चाहे तू कर। हाय स्वीटा, मुझे पता है मैं रात को कुछ ज़्यादा बोल गया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आई डोंट नो मुझे क्या हो गया था, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। थकन की वजह से मैं बहुत इरिटेटेड था, पता नहीं मैं क्या कुछ बोल गया। रियली सॉरी। डोंट टच मी, आई डोंट वांट टू सी योर फेस, गेट आउट ऑफ हियर। ओफ यार, इतनी नाराजगी। अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी नाराज हो जाओगी तो मैं ये हरकत बिल्कुल भी ना करती। माफ कर दो प्लीज, सॉरी। देखो मैं अपने कान भी पकड़ूंगा, देखो पैर भी पकड़, सॉरी। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। नाइस, देखा कितना रोमांटिक हूँ। मुझे मनाना भी आता है अपनी बीवी को। आखिरी बार माफ करें, अगर आइंदा ऐसी गलती की ना तो कभी माफ नहीं करूंगी, और बड़ी से बड़ी सजा मिलेगी तुम्हें। मैं पागल हूँ मैं ऐसी गलती करूँ? ब्रेकफास्ट कौन बनाएगा मेरे लिए? अच्छा, वो भी मैंने बनाना है। हाँ, तुम ही ने बनाना है। आज तो बनाना पड़ेगा। क्या कर? चीज ऑमलेट। हाँ, फ्रेंच टोस्ट भी। ट्राई करता हूँ। अच्छी फिलहाल तो उसने धमकी दी है। अगर उसने मेरे 2 नंबर कामों का भांडा फोड़ दिया ना अम्मी, तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। और हाँ, मेरे साथ आपको भी जलील होना पड़ेगा बहुत। आइए जैन साहब, आइए, कहिए कैसे आना हुआ। What the hell is going on? तुम यहाँ क्या करते फिर रहे हो? मुझसे पूछने वाले आप होते कौन हैं? I am your boss. कौन बॉस? कहाँ से आप बॉस? शक्ल से तो आप मुझे कोई अंगूठा छाप लगते। Shut up. तुम जानते हो मैं कौन? इस कंपनी के ऑनर का भतीजा हूं मैं। और कंपनी का ऑनर कौन है तुम जानते हो ना? मुराद साहब, मेरे ताया हैं वो। 2 मिनट में खड़े खड़े तुम्हें यहां से निकलवा सकता हूं मैं। खड़े खड़े 2 मिनट में तो मैं भी तुम्हें निकलवा सकता हूं। मेरे पास भी आपके बहुत सारे सबूत हैं। ये जो आप दूसरे पार्टी से कमीशन पकड़ते फिरते हैं, उनकी सारी रिपोर्ट है मेरे पास, दिखाऊंगा। सबूत तो मेरे पास भी तुम्हारे खिलाफ बहुत है। ये देखो, ये रहो, देखो अपने कारनामे। ये तुम्हारी बैंक स्टेटमेंट है इस महीने की। इस महीने पूरे 25 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हुए, और वो किसने किए? रिजवान बिल्डर्स। ये वही बिल्डर्स हैं जिनसे तुमने कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव करवाया था। चीजों से डरा रहे हम? नौकरी से निकलवाएंगे? निकलवा दीजिए, करनी नहीं मुझे नौकरी, पसंद ही नहीं।
मेरा क्या, कोई और नौकरी मिल जाएगी? लेकिन अगर आपके खिलाफ सबूत मैंने मुराद साहब को दे दिया तो ना सिर्फ आपकी नौकरी जाएगी बल्कि मुराद साहब आपको जूते मार के घर से निकाल दें। क्या मतलब, कौन से सबूत है तुम्हारे पास? घबराओ नहीं यार, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। भाई जब तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो तो मैं तुम्हें क्यों नुकसान पहुंचाऊं? लेकिन हाँ, अगर तुमने जबान खोली तो मुझे भी सबके सामने वो सबूत लाने पड़ेंगे जिसके बाद ना सिर्फ तो अपने नौकरी से हाथ धो बैठोगे बल्कि रिश्तेदारी और इज्जत से भी जाओगे। इसलिए बी केयरफुल बॉय। सास मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है ये सब सुन के। पहले जिब्रान का तुम्हारे ऑफिस आना और फिर तुम्हारे घर, ये कोई आम बात नहीं है। वो कभी भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। कम से कम मुराद साहब या हमाद को एतमाद में लेकर उनसे बात तो करो। तो क्या कहूँ? कि जिब्रान को उसी जॉब से फारिग कर दे? नहीं आपी, मैं बिला वजह उसकी नीयत पर शक करके उसे जॉब से क्यों निकलवाऊं? और वैसे भी उसने मुझसे वादा किया है कि वो अपने काम से काम रखेगा और मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने कहा और तुम मान गई? हाँ, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूँ। कम से कम तुम हमाद को एतमाद में लेके इतना तो बता दो कि वो तुम्हारी फूफो का बेटा है। कल को उसे किसी और से पता चलेगा तो खामखा उसके जहन में शक पैदा होगा। आप ठीक कह रही हैं, मैं कुछ करती हूँ। खैर आप परेशान ना हो, ये बताएं अम्मी कैसी है? अब क्या होगा अम्मी? अगर जिब्रान ने सचमुच मेरी पोल खोल दी तो ताया जान हमें इस घर से निकाल देंगे। अरे अल्लाह गारत करे उस कमबख्त को, बेड़ा गर्क हो उसका। फिलहाल तो उसने धमकी दी है, अगर उसने मेरे दो नंबर कामों का भांडा फोड़ दिया ना अम्मी तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। और हाँ, मेरे साथ आपको भी जलील होना पड़ेगा बहुत। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हें गीदड़ भपकियों से डरने की जरूरत क्या है? अगर उसके पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है ना तो तुम्हारे पास भी उसके खिलाफ पक्के सबूत हैं। धमकी लगा देना, खुद ही मुंह बंद हो जाएगा, देखते जाना तुम। हाँ अब कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। अच्छा छोड़ो ये बातें, वो 5 लाख मुझे दो, 2 लाख मुझे आमिल बाबा को भी देने हैं। क्या 2 लाख? अब 2 लाख उस आमिल बाबा को दे रही है? ये क्या कर रही है अम्मी? तुम्हें यहां तक पहुंचाने वाली भी तो मैं हूं। एहसान फरामोश कहीं के, जाओ जाकर पैसे लाकर दो मुझे। लो बेटा गर्म गर्म दूध पी लो। थैंक यू। अरे बेटा बहुत रात हो गई, अब सो जाओ, मैं भी सोने जा रही हूँ। सारा दिन दफ्तर में दिमाग खराब करते रहते हो और रात को ये घर में आके दफ्तर खोल कर बैठ जाते हो। अपने आराम और सुकून का ख्याल रखा करो बेटा। अगर आराम करूँगा तो अपने गोल्स कैसे अचीव करूँगा माँ? कैसे क्या करोगे? अरे मेरी भोली अम्मा, अब मैं तुमको कैसे बताऊं मैं क्या हासिल करना चाहता हूं भाई। अल्लाह का शुक्र है सब कुछ मिल गया है तुम्हें, अच्छी नौकरी, नई गाड़ी, और अब तो कुछ दिनों के बाद हम ये घर भी बदल लेंगे। और क्या चाहिए? सब कुछ, वो सब कुछ जिसके मैंने ख्वाब देखे थे। अम्मा अल्लाह ताला ने मुझे एक बहुत बड़ा मौका दिया और मैं उस मौके का पूरा पूरा फायदा उठा लेना चाहता हूँ। जरा सी भी कसर नहीं छोड़ूंगा मैं। देखो बेटा मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, जितना है उतने में खुश रहना सीखो। अरे ये लालच
इंसान को तबाह और बर्बाद कर देता है। आप फिक्र ना करें, इस दुनिया की कोई भी ताकत जो है वो आपके बेटे को बिल्कुल भी तबाह नहीं कर सकती। आपका बेटा बहुत बहादुर और बहुत जहीन है, हर तरह की सिचुएशंस को हैंडल करना जानता है। पता नहीं क्या ऑल फॉल बकते रहते हो, तुम्हारी सारी बातें ना मेरे सर से गुजर जाती हैं। अब सो जाना। अभी तो बहुत कुछ हासिल करना है मुझे। अरे रबाब, यही सुबह सुबह अखबार खोल के बैठ गई हो, कोई खास खबर है क्या? जॉब तलाश कर रही हूँ। क्या जॉब? ये तुम्हें उल्टे सीधे मशवरे देता कौन है? समझ गई, वो तुम्हारी मिसनी बहन होगी जो ये उल्टी सीधी बातें तुम्हारे दिमाग में डालती है। उसने जॉब करके कौन सा तीर मार लिया जो तुम्हें ये मशवरे दे रही है? वो खुद खर्च कहीं की, माँ तो लाखों करोड़ों में ऐश कर रही है। ये नहीं कि माँ बहनों की कोई माली मदद कर दे, पूछ ही ले पलट के कि किस हाल में है। जो बैंक में थोड़े बहुत पैसे हैं ना, वो भी आहिस्ता आहिस्ता खर्च हो रहे हैं। हाँ तो आपको किसने कहा था इतना महंगा सामान खरीदे? अगर 10 लाख ले ही लिए थे तो उन्हें जरा तरीके से खर्च करती ना। और आप वैसे भी बिला वजह एहसास के पीछे मत पड़ जाया करें। मुझे जॉब का मशवरा उसने नहीं दिया, मैं खुद करना चाहती हूँ। सारा दिन घर में बैठी बोर हो जाती हूँ। जॉब करूंगी ना तो दिल भी लगा रहेगा और 4 पैसे भी हाथ में आ जाएंगे। खबरदार, आइंदा तुम जॉब का नाम नहीं लेना। वो महारानी वहाँ पे ऐश कर रही है और मेरी बेटी मामूली दफ्तरों में अपनी जूतियाँ चटकाती फिरेगी। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें जॉब करने की। देख लेना, एहसास से ऊंचा घराना तुम्हारे लिए ढूंढूंगी मैं। दिन में ख्वाब देखना छोड़ देंगी। कोई ख्वाब नहीं देख रही हूँ मैं, जो बोलती हूँ ना करके दिखाती हूँ मैं। मुराद साहब से बात करूंगी, वो खुद ही तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढेंगे, देख लेना। आपको समझ में नहीं आता ना अम्मी, मैंने आपसे जब एक दफा कह दिया कि मुझे किसी से शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, और मुराद साहब से तो आप किसी भी हाल में बात मत कीजिएगा। एक दफा कहा, समझ में ही नहीं आता किसी को। दिमाग तो मैं इसका बात में दुरुस्त करूंगी, पहले मैं मुराद साहब से तो बात कर लूं। क्या कहने में, पियो बेटा थोड़ा सा तो पी लो। जब मैंने कहा नहीं पीना तो नहीं पीना। मरियम बेटे, मैं बहुत प्यार से बना कर लाई हूँ आपके लिए। ओके, लेकिन मेरा पेट भरा हुआ है। बेटा थोड़ा सा तो पी लो। आप खुद पी लें। मगर ये तो मैं आपके लिए बना कर लाई हूँ। ओह, इतनी बहस क्यों कर रही हैं आंटी? मैंने कहा ना मुझे नहीं पीना, नहीं पीना, नहीं पीना। अस्सलाम वालेकुम जीनत बहन, कैसी हैं आप? आज कैसे याद कर लिया आपने? वालेकुम अस्सलाम भाई, बस मत पूछे, हम पे तो बस जैसे कयामत ही गुजर गई है। क्या हुआ, आप रो क्यों रही? बहुत बुरा हुआ है मेरी बेटी के साथ, आपको एहसास ने नहीं बताया? नहीं, मुझे तो एहसास बेटी ने कुछ नहीं बताया, कोई जिक्र ही नहीं किया। बस भाई, मेरी बेटी तो तलाक लेके घर पे आ गई है, उसके ससुराल वाले धोखेबाज और 2 नंबर निकले, बस यही परेशानी चल रही है मेरे साथ। ओहो, सुनकर वाकई बहुत दुख हुआ। आप परेशान ना हो, अल्लाह खैर करे, मैं किसी वक्त चक्कर लगाऊंगा आपकी घर। ठीक है भाई, ठीक है। ये लो इस हफ्ते का तुम्हारा इनाम, पूरे 5,000 रुपए। लेकिन प्लीज ख्याल रखना, तुम भी रजिया की तरह मत करना, वो तो नमक हराम निकली चली गई छोड़ के। उसका भी है ना कि मैंने बहुत ख्याल रखा था, तुम ऐसा मत करना। नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया बेगम साहब। बस तुम दुआ करो, जैसा मैं चाह रही हूँ वैसा अगर हो जाए ना, तुम्हें मुंह मांगा इनाम दो। इंशाल्लाह बेगम साहिबा, आपके सारे काम हो जाएंगे। बड़ी शिफा है बाबा के अमल में, आपको मायूसी नहीं होगी। अच्छा ऐसा करो, तुम तैयार हो जाओ, जरा मार्केट तक जाना है, महारानी के लिए सोने का सेट और कपड़े लाने हैं। मैं कपड़े क्यों ले रही हैं,
कोई पुराना सा सूट दे दें। मैंने नरमीन के सारे कपड़े एहसास की बरी में लगा दिए थे, अब तो कुछ बचा ही नहीं देने वाला। बरी में जो आपने कपड़े दिए थे एहसास बीबी को, वो अनसिले थे जो नरमीन बीबी ने स्टोर में खरीद कर रखवा दिए थे। और स्टोर में एक सूटकेस भी रखा हुआ है, उसके अंदर एक बहुत अच्छी साड़ी है उनकी कीमती, वो दे दें या फिर उसमें से कोई और सूट दे दें। यार तो तू समझदार, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन बाजार तो हमें फिर भी जाना पड़ेगा ना। जो भाई साहब ने कार्ड दिया है उसमें से पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। बड़ी अच्छी बात है जी, आप इसी में से अपने लिए कर लें शॉपिंग। हाँ ये तुमने पते की बात की है, बहुत दिनों से शॉपिंग भी नहीं की मैंने, बहुत दिल चाह रहा था शॉपिंग करने को। ऐसा करती हूँ उसके लिए बस एक सोने का सेट ले लेती हूँ हल्का सा, क्या ख्याल है? सेट कोई फालतू नहीं पड़ा हुआ आपके पास? हाँ याद आया, एक हल्का सा सेट मेरे पास पड़ा हुआ तो है, वही दे देती हूँ उसे। हाँ वही दे दें, लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं साहब को शक हो जाए। अरे भाई साहब को उल्लू बनाना, बेवकूफ बनाना चुटकी का काम है मेरा। उस सेट को पॉलिश करवाऊंगी, बड़े साहब को दिखा दूंगी, उनको पता भी नहीं चलेगा। चलाओ चलते हैं शॉपिंग पर। कहाँ जा रही हो तुम? आपको बताया था अम्मी, जॉब के लिए इंटरव्यू करने जा रही हूँ। मैंने तुम्हें मना किया था ना? अम्मी मुझे करने दे जॉब, मेरा दिल लगा रहेगा, और वैसे भी घर में कोई तो कमाने वाला होना चाहिए। आपके पास जो पैसे हैं ना वो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे हम? देखो बेटा मैं कहना चाहती थी अम्मी, प्लीज जो मेरा दिल चाहता है वो मुझे करने दे। और वैसे भी एहसास भी तो जॉब करती थी, उसे तो आपने कभी मना नहीं किया, बल्कि आप तो उसे उल्टा मजबूर करती थी। वो बीए थी, तुम्हें कौन जॉब देगा? कोई बात नहीं अम्मी, कोई ना कोई मामूली नौकरी तो मिल ही जाएगी, मैं किसी स्कूल में पढ़ा लूंगी, अब मुझे तैयार होने दे। वो महारानी महल में राज करे और मेरी बच्ची 2% के स्कूलों में नौकरी करती रहे, मेरी बेटी को भी अच्छी जिंदगी गुजारने का हक है। मैं इसको कभी भी खौर नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। बात आदत की नहीं है, बात हमारे स्टेटस की है। वहां तुम मामूली से क्लर्क की बेटी की हैसियत से नहीं जा रही हो, एक बिजनेस टाइकॉन मुराद शाह की बहू की हैसियत से जा रही हो। बहन जी इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? क्यों नहीं जरूरत थी, एहसास की शादी के बाद आप पहली मर्तबा हमारे घर आए हैं, अगर हैसियत होती तो आपकी तवाज़ो आपके शायाना शान करती। ऐसी कोई बात नहीं, ये मेरा अपना घर है। आपकी बेटी की तलाक का सुना तो बहुत दुख हुआ, लेकिन इत्मीनान भी हुआ कि झूठे और फजूल लोगों से आपकी जान छुट गई। खैर अल्लाह कोई सबब बना देगा, आप परेशान ना हो। बस भाई साहब हमारी बेटियों की किस्मतें ऐसी होती है, पहले तो रिश्ते नहीं आते, पर जब शादी होती है तो ये सब कुछ झेलना पड़ता है। आपके बहुत जानने वाले हैं, बड़े लोगों में उठना बैठना है, अगर आप रबाब के लिए कोई आगे बात चलाएं, उसकी इद्दत भी पूरी हो गई है, मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी। देखिए अभी जल्दबाजी मत कीजिए, माँ होने के नाते आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी बच्ची को वक्त है, सारी बातें उसके जहन से निकल जाए, अगर आप जल्दबाजी करेंगी तो वो मजीद उलझ जाए। और आपने जो बात की है मेरे जहन में है, मैं इंशाल्लाह अपनी कोशिश करता रहूंगा, आप परेशान ना। ऐसे मुझे बड़ी हैरत हुई, एहसास ने ये बात आपको नहीं बताई और यहाँ पे हम पे कयामत गुजर गई थी। दरअसल मैं आजकल बिजनेस में बहुत मसरूफ हूँ और एहसास बेटी से रात खाने पे ही मुलाकात होती है, हो सकता है कि
उसने जिक्र किया हो और मेरे जहन से निकल गया। खैर अल्लाह बेहतरी करेगा। ये आप रख लीजिए। नहीं नहीं भाई साहब, इसकी जरूरत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पूरा कर देता है। देखिए अल्लाह ही पूरा करता है। इंसान एक दूसरे की मदद तो कर सकता है, सदाकत साहब के बाद कोई कमाने वाला तो है नहीं आपका। रिश्तेदार होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी कि मैं आपका ख्याल रखूं। ये रख लीजिए। और अब आपने परेशान नहीं होना, आपके घर की तमाम तर जिम्मेदारी मेरी है। हर माह इस घर के अखराजात आपको मिलते रहे। आप इतना इसरार कर रहे हैं तो मैं ये रख लेती हूँ, लेकिन ये बात आप एहसास को मत बताइएगा। जैसे आपकी खुशी। नहीं मिल रहा बहुत बेवकूफी की तुमने एहसास उनके साथ ना जाकर, पता नहीं क्या उठाकर ले आएंगी तुम्हारे लिए। तुम्हारे ससुराल का पहला फंक्शन है, कितने बड़े बड़े लोग होंगे वहां। अब तुम्हें बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना है एहसास। आप ही आप बेफिक्र हैं, उन्हें शॉपिंग का बहुत तजुर्बा है और वो मेरे लिए जो लाएंगी बहुत अच्छा लाएंगी। और वैसे भी मुझे इन सारी चीजों का कोई शौक नहीं और ना ही मुझे खुद को इन सारी आसाइशात का आदि बनाना। पहले की बात और थी, अब ये तुम्हारा शौक नहीं जरूरत है। इतने बड़े खानदान की बहू हो तुम। आप भी, आप शायद एक बात भूल रही हैं जो मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि इस घर में मेरा काम आरसी है और मैं बहुत जल्द इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। तुमने फिर वही बेवकूफी वाली बातें शुरू कर दी। मैं तुम्हें ऐसी कोई हरकत करने ही नहीं दूंगी, समझी तुम? कहीं नहीं जाओगी तुम वो घर छोड़कर। और वैसे भी तुम्हें अब हमाद से मोहब्बत भी तो हो गई है, कैसे दूर रहोगी तुम हमाद से? हाँ, जो अपने दिल पर हर तरह का कदम उठाना ही होगा। मैं हमाद से मोहब्बत करती हूँ लेकिन हमाद तो नहीं ना। मैं हमाद की आंखों में जो नरमी जो अपनाया दिखती थी मोहब्बत समझ बैठी, क्योंकि मुझे क्या पता था कि वो अपनाया वो नरमी तो सिर्फ एक हमदर्दी है और कुछ नहीं। खैर हम दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये मेरे लिए बहुत है। और वो चाहते हैं कि मैं उन्हें छोड़कर अपनी जिंदगी का नया आगाज करूं। लेकिन तुम हमाद को बताओ कि तुम उनसे कितनी मोहब्बत करती हो, तुम्हारी खुशी सिर्फ उनके साथ जुड़ी है, तुम उनके साथ बहुत खुश रहोगी। नहीं यार, जो होना था वो हो गया और मैं उनसे वादा कर चुकी हूँ। ठीक है, अगर तुम हमाद से बात नहीं कर सकती तो फिर मैं खुद हमाद भाई से बात करूंगी। नहीं नहीं आपी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, कुछ भी नहीं। हमाद अगर मुझे रोकेंगे तो ठीक है, वरना मैं चली जाऊंगी। खैर आप बताएं आपका इंटरव्यू कैसा रहा? जाने दो तुम मेरे इंटरव्यू को। खुदाया गर्मी ने तो हद कर दी है, बहुत गर्मी थी आज। ऐसा करो जल्दी से फ्रेश जूस बनाकर पिलाओ मुझे। और सुनो भाई साहब को पता नहीं चलना चाहिए कि सोने का सेट मैंने अपने लिए खरीदा है। अगर उनको पता चला ना जुबान काट दूंगी तुम्हारी। नहीं नहीं बेगम साहबा, आप बेफिक्र रहे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, जूस बनाओ मेरे लिए और हमाद साहब को भी एक गिलास दे देना, उसमें वो पड़ा हुआ पानी डाल देना। जल्दी से जाओ। तो अब इतनी गर्मी है आज, लेकिन मजा आया शॉपिंग करके, बहुत दिनों बाद शॉपिंग की ना। वैसे अम्मी आज आपने खाने पे बड़ा एहतमाम किया, कोई खास बात है क्या? भाई मेरा दिल चाह रहा था बिरयानी और कबाब खाने का, तुम्हें भी तो बहुत पसंद है ये। हाँ पसंद तो बहुत है, लेकिन अम्मी अगर इस तरह से हम रोज तिक्का बिरयानियाँ खाएंगे तो जमा पूंजी खत्म हो जाएगी। घर में कोई कमाने का जरिया नहीं है, सारे पैसे खत्म हो गए तो हम क्या करेंगे? अपने बाप के जाने के बाद लेक्चर देने की जिम्मेदारी तुमने संभाल ली है। सख्त नफरत है मुझे कंजूस लोगों से,
भाई हमारे खानदान में तो बहुत खुला खर्च करते थे, वो तो तुम्हारे बाप से शादी हो गई तो मुझे ये दिन देखने पड़े। ऐसे नहीं कहते अम्मी, अल्लाह ने हमें जो दिया है जितना दिया हमें उसमें सब्र शुक्र करके गुजारा करना चाहिए। रबाब अब अपने बाप की तरह हदीसे मत सुनाओ मुझे, कुछ करके खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। और वो तुम्हारी जॉब का क्या बना? शायद आप ठीक ही कहती हैं, इस तालीम में मुझे कोई नौकरी नहीं देगा। अब तो मैं सोच रही हूँ कि फिर से सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दो। खबरदार, जो तुमने सिलाई कढ़ाई का भी सोचा उसके आगे का सोचो, किसी बुटीक का सोचो या किसी ब्यूटी पार्लर का सोचो। अम्मी आपको कुछ अंदाजा भी है कि ये बुटीक और ब्यूटी पार्लर बनाने में कितना पैसा आता है खर्चा? कहाँ से आएगा हमारे पास इतना पैसा? ये तुम्हारा मसला नहीं है, मैं मुराद साहब से बात कर लूंगी, कहूंगी कि थोड़ा सा उधार दे दे मुझे। आप पीछा छोड़ क्यों नहीं देती हैं मुराद साहब का? आपकी बेटी का ससुराल है, थोड़ा तो ख्याल कर ले। बेटी का ससुराल हुआ तो क्या हुआ, ऐसे ही चल रहा है आजकल, अमीर रिश्तेदार गरीब रिश्तेदारों की मदद करते हैं। अब वैसे भी मैं कौन से पैसे मांग रही हूँ, उधार ही तो मांग रही हूँ, जब आएंगे वापस कर दूंगी। आपकी इतला के लिए अर्ज है, आप उनसे पहले भी बहुत कुछ ले चुकी हैं। और अम्मी अब मैं कसम खा रही हूँ, अगर आपने आइंदा मुराद साहब से कुछ भी मांगा तो मैं जिंदगी भर आपसे बात नहीं करूंगी। साहब चाय? मैंने तो नहीं मांगी थी। वो जी मैंने सोचा आप काम कर रहे हैं थक गए होंगे तो। वो जी मैं बेगम साहब के लिए जूस बना रही थी तो मैंने सोचा आपके लिए चाय बना दूं। तो मेरे लिए भी जूस बना देना था ना। सच बताओ ये एहसास ने तुम्हें कहा था मेरे लिए चाय बनाने को? जी जी। ये लो इसमें साड़ी है और सोने का सेट और चूड़ियां भी, रात को पहनकर अच्छे से तैयार हो जाना। जी। सोने का सेट तो मुझे भाई साहब ने कहा था मैं ले आई, लेकिन चूड़ियां मेरी हैं इसलिए पहनने के बाद वापस कर देना मुझे। आंटी इन सब की क्या जरूरत थी, मैं वैसे भी हैवी ज्वेलरी नहीं पहनती, मुझे आदत नहीं है ना। बात आदत की नहीं है, बात हमारे स्टेटस की है। वहां तुम मामूली से क्लर्क की बेटी की हैसियत से नहीं जा रही हो, एक बिजनेस टाइकॉन मुराद शाह की बहू की हैसियत से जा रही हो। तुम्हारा उठना बैठना बोलना पहनना सब शाह खानदान के स्टेटस के मुताबिक होना चाहिए, समझी? साड़ी तो पहननी आती है ना तुम्हें? नहीं आंटी मैंने कभी साड़ी नहीं पहनी। ओह खुदाया, एक तो गरीब खानदान की लड़की बहू बनाकर घर ले आओ तो ये मुसीबत है कि एक एक चीज उसको सिखाओ। अब फैशन भी करना मैं तुम्हें सिखाऊंगी, ठीक है? आज तो मैं तुम्हें साड़ी बांधना बता रही हूँ लेकिन आइंदा नहीं बताऊंगी, प्लीज ये चीजें खुद सीख लो, मेरे पास फालतू में इतना टाइम नहीं है। वाओ Looking gorgeous. I love साड़ीज, you know. मैं आज तुम्हें कहने ही वाला था कि पार्टी पे साड़ी पहन के जाना। तुम्हें पता है मात को भी साड़ीज बहुत पसंद थी, हर एनिवर्सरी पे मुझे साड़ी या डायमंड रिंग गिफ्ट करता था। Just to love साड़ी। I'm sorry, I didn't mean to hurt you. I just said it ऐसे ही। Sorry. देखो मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हमाद का जिक्र मत किया करो, हर्ट करती हो तुम मुझे। सॉरी बोला ना। इट्स ऑल राइट, लेकिन आइंदा ख्याल प्लीज। अच्छा बताओ कैसी लग रही हो? ऑसम,
मुझे तो लगता है ये साड़ी बनी ही तुम्हारे लिए। लुकिंग सो ब्यूटीफुल। ठहरो, पिक्चर्स बनाता हूँ। पिक्चर्स अभी क्यों, वहीं जाके बना लेंगे। हाँ, नॉट अ बैड आइडिया। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें आज एक बहुत ही स्पेशल दोस्त से मिलवाना चाहता हूँ। ठीक से मिलना उससे। व्हाई नॉट, पहली दफा तुम्हारे किसी दोस्त से मिल रही हूँ, अच्छे से मिलूंगी। गुड, मगर आज मैं तुम्हें उससे खास मकसद की वजह से मिलवाना चाहता हूँ। मकसद? कैसा मकसद? ये जो मेरा दोस्त है, ये एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी चला रहा है और मेरे काफी जानने वालों ने इसके बिजनेस में इन्वेस्ट किया और अरबों और खरबों रुपए कमाए, और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने 2 करोड़ उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करो। Are you insane? मैं इस तरह उठा के कैसे दे दूंगी 2 करोड़ रुपए किसी को? ऐसा नहीं होता है रोहेल, we can't trust him. यार एतबार का आदमी है और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम्हारे 2 करोड़ कैसे 5 करोड़ हो जाएंगे। You know, it's a good business. You should try it out. Are you like sure about it? हाँ sweetheart, trust me. मैं हर हाल में तुम्हारा फायदा चाहता हूँ, मैं तुम्हें गलत मशवरे क्यों दूंगा? तो ठीक है रोहिल, लेकिन 2 करोड़ की बात है ना, तो दिल नहीं मान रहा है। अगर कोई फ्रॉड हो गया तो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे ही किसी शख्स को पैसे देने की बात करता हूँ? एतबार है मुझे उस पर। कम ऑन, तुम्हारा फायदा चाहता हूँ, इट्स ऑल गोना बी गुड। बाकी मैं अपनी मर्जी तुम पर मुसल्लत नहीं करना चाहता, जैसे तुम्हें ठीक लगे। ऑलराइट, चलो। हाँ रेडी। हाँ चलो। आंटी, यू आर लुकिंग सो प्रीटी। अरे आपने तो बिल्कुल मामा जैसी साड़ी पहनी है। बिल्कुल ऐसी साड़ी मामा के पास भी थी, वो भी बहुत अच्छी लगती थी और आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। अच्छा, आप भी तो मेरी शहजादी लग रही हो, मेरी प्यारी सी गुड़िया। हाँ बेटा, सच कह रही हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूंगी। सुरैया से पूछ लो, वो मेरे साथ गई थी। झूठ बोल रही है। जी बेगम साहब, बुलाया आपने? जी की बच्ची, कब से आवाजें दे रही हूँ, कहाँ मर गई थी तुम? वो मैं किचन साफ कर रही थी। बहुत बड़ा अजाब हो गया, बहुत बड़ा गलत काम हो गया हमसे। जो हमने सारी एहसास को दी है, वो नरमीन को हमाद ने गिफ्ट की थी, मुझे अभी अभी मरियम ने बताया। अब क्या होगा बेगम साहबा? होना क्या था, काश पहले पता चल जाता, मैं वो साड़ी एहसास को देती ही नहीं। अब तुम दुआ करो कि हमाद उस साड़ी को पहचाने नहीं, वरना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अच्छा तुम जाओ, जाकर देखो वो मोहतरमा तैयार हुई है या नहीं। अभी हुई। जी मैं देखती हूँ। देखिए आंटी कितनी अच्छी लग रही हैं। आपको याद है आपने बिल्कुल ऐसी साड़ी मामा को भी दी थी। एहसास, तुम रेडी होगी? जी आंटी। सुरैया जल्दी से आओ, ड्राइवर को कहो गाड़ी निकाले, चले हम। ये साड़ी आपने कहाँ से ली आंटी? बेटा आज ही जाकर मॉल से लेकर आई हूँ एहसास के लिए। You sure ये कि आप आज ही मॉल से लेकर आई हैं? सच कह रही हैं? हाँ बेटा सच कह रही हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूंगी। सुरैया से पूछ लो, वो मेरे साथ गई थी। झूठ बोल रही हैं?
ये नरमीन की साड़ी है जो आज आपने एहसास को पहनाई हुई है। नरमीन की साड़ी। हमाद बेटा, जब तुम्हारी आंटी कह रही है कि आज ही मॉल से खरीद के दिए साड़ी से, तो उनकी बात क्यों नहीं मान रहा? तो भला ये नरमीन की साड़ी क्यों पहनाएंगी इसे? हाँ बेटा, भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भला नरमीन की साड़ी एहसास को क्यों दूंगी? नो डैड, नो। ये साड़ी मैंने खुद खरीदी थी, वेडिंग एनिवर्सरी पे उसे गिफ्ट दी थी। ये नरमीन की साड़ी है और सब दूं आपको। एहसास इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये देखे, नई साड़ी है ये, नई साड़ी है ये। डैडी, ये देख रहे हैं आप, जब मैंने नरमीन को दी थी उस दिन तो कैंडल की वजह से ये जल गई थी। यहां सर, ये कह रही है नई साड़ी है ये। एहसास, जाओ इसे चेंज करके आओ। फौरन इसे चेंज करके आओ। पर आपने क्यों झूठ बोला? क्यों झूठ बोला आपने मुझसे? एक तो ये कि नरमीन की उतरन एहसास को पहनाई, दूसरा डैड के सामने झूठ बोल रही है कि आज ही मॉल से लेकर आई है। झूठ बोलती है मुझसे। एहसास, मैं क्या कह रहा हूं, जाओ इसे चेंज करके आओ। क्या क्यों नहीं रही हो तुम? तुम मुझे मेरा ठिकाना बताओगे? तुम जानती हो तुम्हारा ठिकाना क्या है? यहाँ कहाँ से लेके आया तुम्हें और तुम्हारा इस घर में मुकाम क्या है? जिब्रान, तुम शायद भूल रहे हो, ये कंपनी मेरे ताया की है और यहाँ ठंडा गरम सब कुछ मेरे लिए है। वो बहुत अच्छी है, आप है तुड़ेल। बदतमीज कहेंगे, नानी को तुड़ेल बोलती है।